हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की रेनबो से लेसन नंबर 8 टू प्रीशियस जेम्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। लेसन नंबर 8 टू प्रीशियस जेम्स। जेम्स का अर्थ होता है बच्चों रत्न, और प्रीशियस का अर्थ होता है बहुमूल्य, दो बहुमूल्य रत्न। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं। वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे। वंस एक बार ए ट्रेवलर यात्री, जो यात्रा करते हैं उन्हें ट्रेवलर कहते हैं। लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भूल गया। ही वॉज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। ही वॉज पासिंग थ्रू, वह गुजर रहा था ए डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने जंगल से। ही फेल्ट वेरी थर्स्टी, उसे बहुत ही प्यास लगी थी। देयर वॉज नो वाटर अराउंड, वहाँ आसपास कोई भी पानी नहीं था, यानी कोई झील तालाब या ऐसा पानी का स्थान नहीं था जहाँ से वह पानी पी सके। टू चिल्ड्रेन वेयर पासिंग बाई, दो बच्चे वहाँ से गुजर रहे थे। दे सॉ द ट्रेवलर एंड गेव हिम लिटिल वाटर दे हैड। दे सॉ द ट्रेवलर, उन्होंने यात्री को देखा। एंड गेव हिम द लिटिल वाटर दे हैड, और उसे पानी पिलाया जो कि उनके पास था। द ट्रेवलर सेड, यात्री ने कहा, आई वॉन्ट टू गिव यू सम गोल्ड क्वाइंस फॉर सेविंग माई लाइफ। आई वॉन्ट टू गिव यू, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ सम कुछ गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के, फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरी जान बचाने के लिए। द चिल्ड्रेन सेड, बच्चों ने कहा, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, श्रीमान, धन्यवाद श्रीमान, यह हमारा कर्तव्य है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन, में आशीर्वाद प्रदान करें बच्चों, सेड द ट्रेवलर्स, यात्री ने कहा। द डे पास्ट, दिन बीत गया। इट वॉज डार्क ऑल अराउंड, यह अंधेरा हो गया ऑल अराउंड, चारों तरफ, यानी रात हो गई। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग फॉर सम शेल्टर। द ट्रेवलर वॉज लुकिंग, यात्री देख रहा था, फॉर सम शेल्टर, आश्रय के लिए, यात्री आश्रय के लिए या रुकने के लिए कोई जगह देख रहा था। सडनली, अचानक, ही सा ए डीम लाइट फॉर देयर इन ए विलेज। एकाएक उसने देखा एक डीम लाइट, मध्यम रोशनी, दूर, फार का अर्थ है दूर, देयर इन ए विलेज, वहाँ पर एक गांव में। इट वॉज एंड ओल्ड लेडीज हट, यह एक बूढ़ी महिला का झोपड़ा था। ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाजे पर नॉक किया, खटखटाया। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड एंड गेव हिम फूड एंड शेल्टर। द ओल्ड लेडी वेलकम्ड हिम इनसाइड, बुजुर्ग महिला ने उसका स्वागत किया, अंदर बुलाया, एंड और गेव हिम फूड एंड शेल्टर, उसे फूड दिया, खाना दिया, एंड शेल्टर, रहने की जगह या आश्रय दिया। रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द लेडी। रियलाइजिंग हर पुअर कंडीशन, उसकी गरीब स्थिति को महसूस करते हुए, यानी ट्रेवलर ने, यात्री ने सोचा, देखा कि यह महिला बहुत ही गरीब है, तो उसने ऑफर्ड सम मनी, कुछ पैसे देने का ऑफर दिया, प्रस्ताव रखा टू द लेडी, उस महिला से। She did not agree to take the money, उस महिला ने पैसा लेने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। And said, और कहा, I am not poor at all, मैं पूरी तरह गरीब नहीं हूँ। Sir, I have two precious gems, श्रीमान, मेरे पास दो अनमोल रत्न हैं। While they were talking, टू चिल्ड्रेन एंटर द हट विथ ए बंडल ऑफ स्टिक्स इन देयर हैंड्स। वाइल दे वेयर टॉकिंग, जब वो बातचीत कर रहे थे,
टू चिल्ड्रेन इंटर द हट, दो बच्चे इंटर्ड अंदर प्रवेश किए हट में, झोपड़ी में। विथ साथ में, ए बंडल ऑफ स्टिक्स लकड़ियों के ढेर के या बोझ के साथ में, इन देयर हैंड्स अपने हाथ में। द ओल्ड लेडी सेड, बुजुर्ग महिला ने कहा, दीज आर टू जेम्स जेंटलमैन, ओल्ड लेडी ने कहा कि ये दो मेरे अनमोल रत्न हैं श्रीमान। ओह दीज चिल्ड्रेन आई मेट देम इन फॉरेस्ट, ओह ये बच्चे मैं इनसे जंगल में मिला। दे सेव्ड माई लाइफ, उन्होंने मेरी जान बचाई। रियली दे आर योर टू लिटिल प्रीशियस जेम्स, वास्तविक रूप में वे आपके दो अनमोल या बहुमूल्य रत्न हैं। सेड द ट्रेवलर विद द टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज, सेड द ट्रेवलर विथ टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइज, यात्री ने कहा, विथ साथ में, टीयर्स ऑफ जॉय प्रसन्नता के आंसू उसकी आंखों में थे। ठीक है बच्चों, आपने इस पाठ के अर्थ को समझ लिया होगा। अब आइए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर वाज द ट्रेवलर पासिंग थ्रू। आंसर, ट्रेवलर वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द चिल्ड्रेन हेल्प द ट्रेवलर, चिल्ड्रेन वाज गिविंग हिम सम वाटर टू ड्रिंक। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द ट्रेवलर ऑफर सम मनी टू द ओल्ड लेडी। आंसर, द ओल्ड लेडी gave him food and shelter, so traveler offered some money to the old lady. Question number D, did the old lady accept his help? Answer, no, old lady didn't accept his help. Question number E, who were the two precious gems for the lady? Answer, the old lady's children were two precious gems for her. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वर्ड पावर, कंप्लीट द गिवन वर्ड लैडर, इस पहेली को बच्चों लिखना है और समझान लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल, लोटस इज लवली, ए बनाना इज येलो, दीज आर द विंग्स ऑफ बर्ड्स, स्टार ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट, वी पुट रिंग इन आवर फिंगर। बच्चों यहाँ आप कॉलम में भर लीजिएगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में या कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनके साथ आईएनजी लगाकर प्रयोग करते हैं। बच्चों जब आईएनजी लगता है यानी वह कार्य उस समय चल रहा होता है। तो देखते हैं, ए टू बॉयज आर सिटिंग ऑन ए वॉल, दो बच्चे दीवार पर बैठे हैं। बी वन बॉय इज क्लाइंबिंग अप द लैडर, सी द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, डी द बॉय इज जंपिंग। ठीक है बच्चों, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी डायरेक्शन, टिल्लू इज ए लिटिल माउस, ही इज हंग्री, हेल्प हिम टू फाइंड द चीज। ये छोटा चूहा है जिसका नाम टिल्लू है, इसे चीज़ या मक्खन खाना है, तो बच्चों उसकी हेल्प करेंगे आप यहाँ पर रास्ता खोज के। ठीक है बच्चों, आपका ये पार्ट समाप्त हो गया। थैंक यू।